हेलो एवरीवन, तो हमारा सब्सिडरी बुक्स चैप्टर चल रहा था और हमने उसमें कुछ टॉपिक्स को कवर भी किया था, लाइक परचेज बुक, ओके सेल्स बुक, और हमने उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए थे जो कि कुछ जीएसटी के थे और कुछ विदाउट जीएसटी. ओके, तो आज हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक. ओके, तो परचेज रिटर्न बुक भी बोल सकते हो या फिर आप इसे रिटर्न आउटवर्ड भी बोल सकते हो. परचेज रिटर्न मतलब आपने कोई चीज परचेज करी, आपको नहीं अच्छी लगी तो आपने उसको वापस कर दिया. ठीक है, तो इसका एक और नाम है रिटर्न आउटवर्ड बुक. ठीक है, परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक. ठीक है, तो इसको आप तो इस बुक को आप मेंटेन करते हो. ओके, इसमें आप किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो जो कि आपने परचेज करे थे बट आपको अच्छे नहीं लगे तो आपने क्या कर दिया, उनको रिटर्न कर दिए. बट आपने जो परचेज करे थे वो आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेज करे थे. ठीक है, तो जो भी हमारी क्रेडिट परचेजेस थी जो हमें अच्छी नहीं लगी और हमने वापस कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया, इट मींस तो वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे. अब देखो, आपका रिटर्न करने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे जो आपने गुड्स मंगाए वो सैंपल के अकॉर्डिंगली ना हो, या फिर जो गुड्स उसने सप्लाई करे हैं वो इन्फीरियर क्वालिटी के हैं. ठीक है, तो आपका ऐसा कुछ भी रीजन हो सकता है. ठीक है, अब इसमें डिफरेंस क्या है जो हम परचेज बुक बनाते थे और जो हम ये परचेज रिटर्न बुक बना रहे हैं. ठीक है, तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो अभी तक हम बनाते थे उसमें हम इनवॉइस नंबर लिखते थे. ठीक है, तो हम इसमें इनवॉइस नंबर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, डेबिट नोट. ठीक है, तो डेबिट नोट नंबर यहाँ पर लिखेंगे. तो बस यही माइनर सा डिफरेंस है. तो चलिए इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं जो कि विदाउट जीएसटी वाला है. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में आपको दे रखा है, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ कृष्णा बुक डिपोट. ठीक है, तो 2020 आपको ईयर दे रखा है और इसने फरवरी 5 को उसने रिटर्न करे गुड्स पवन बुक सेंटर को. ठीक है, दिल्ली कई 3000 रुपीज के, जिसमें ट्रेड डिस्काउंट 10% और डेबिट नोट नंबर हमें दे रखा है 122. तो हमने किसको रिटर्न करे हैं, पवन बुक सेंटर, ओके दिल्ली. डेबिट नोट नंबर हमें कितना दे रखा है, 122. कितने के गुड्स हमने वापस करे उसे, 3000 के, और आपको ट्रेड डिस्काउंट भी बता रखा है तो उसको माइनस कर देते हैं. लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंट का है, 10% का, तो कितना अमाउंट आ गया, 300. तो लेस करने के बाद फाइनल अमाउंट कितना निकला, 2700. ठीक है जी. नेक्स्ट फरवरी 15 का ट्रांजेक्शन बता रखा है आपको, अलाउंसेस इज गिवन टू सुल्तान चंद एंड सल्स दिल्ली ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन टोटल इनवॉइस नंबर 1141. कितने रुपए का है, 1000 रुपीज का. इसको भी लिख देते हैं फरवरी 15 को. किसका नाम किसका आएगा, सुल्तान चंद एंड सल्स दिल्ली. ओके, और आपका जो अमाउंट है वो डेबिट नोट नंबर है वो कितने का है, 123. और आपका फाइनल अमाउंट कितने का है, 1000. ठीक है, फरवरी 22 को हमने कहा कि हमने रिटर्न कर दिए गुड्स. ठीक है, स्टेशनरी मार्ट दिल्ली एज गुड्स वर नॉट एज पर द सैंपल, सैंपल के अकॉर्डिंगली गुड्स नहीं थे तो हमने उसको क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. तो फरवरी 22 को आहुजा स्टेशनरी मार्ट दिल्ली, इसका भी इनवॉइस नंबर कितना है, 124. कितने का अमाउंट, 2500. ठीक है, तो टोटल कितना आ गया लास्ट डेट को फरवरी 28 को, वो हम लिख देंगे परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. कितने का अमाउंट, 6200 का. ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम परचेज रिटर्न का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट वो किस पे बेस्ड होगा, जीएसटी पे बेस्ड होगा. और उसके आगे वीडियो में हम सेल्स रिटर्न को कंप्लीट करके इस चैप्टर को एंड करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.